बावर्ची खाने का मामला वो कुछ गोश्त की बोटियां या आपके लिए थोड़े ज्यादा चावल भिजवाने का हरगिज नहीं था। आपकी फैक्ट्री में जो कारीगर काम करते हैं, दरअसल उन लोगों को पेट भर खाना नहीं मिल रहा, और मैं ये चाहती हूँ कि उनको पेट भर खाना मिले। इंजीनियर साहब, जरा इस लिस्ट को देखिए, ना तो इसमें कोई ग्राम लिखा है, ना इसमें कोई किलो। जरा देखिए। लाओ ये मुझे दो। तुम फौरन एक लिस्ट और तैयार करो जी, कि जिसमें ग्राम, जिसमें किलो भी, गोश्त भी, सब्जी भी, दही भी हो। जब तैयार कर लो तो मेरे ऑफिस में ले आना, दस्तखत करवा लेना। इंजीनियर साहब गलती हो गई है। इंजीनियर साहब, तुमने अपनी कब्र खुदवा ली है। उस तबाहशुदा घर से अजीज सिर्फ इस पैकेट को उठाकर लाई थी, कुछ तस्वीरें और शिनाख्ती कार्ड। मेरे बेटे का शिनाख्ती कार्ड, इसकी अपनी बेटी का। मेरे अगर पोता पोती बच गए होते तो मेरे पोता पोती, तुम्हारे बच्चों की कसम, अभी तकरीबन बिल्कुल मोहम्मद और नाजगुल के बराबर ही होते। इसको मिलाकर 45 किलो है। सना बच्ची, अगर आप कहें तो मैं आपकी मदद करूं। जरूरत नहीं है। इसका वजन लिखो 20 किलो। फरीदुन साहब, क्या है, आप यहाँ हैं? हाँ यही हूँ। आपसे कोई मिलने आया है, उसको किसने भेजा है? जलील, जलाल, याद नहीं आ रहा। तुम्हें क्या जरूरत है इस पर गौर करने की? तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, ये लीजिए। अब जब तुम मुझे लिस्ट दोगी तो डॉक्टरों वाली लिखाई में मत देना, कुछ इस तरह लिखना कि मैं आराम से पढ़ सकूं। आप छोड़ ऐसे बेईमान कहीं का। मुंह देखा था कैसा बना लिया था उसने। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम धोखेबाज। फरीदुन साहब मुझे माफ कर दें, आइंदा ऐसा नहीं होगा। तुम मेरे पीछे बिल्कुल मत आओ। फरीदुन साहब मेरी बात तो सुने, आइंदा ऐसा नहीं करूंगा। जाओ, तुम्हें आराम मिल सके, जाओ। अस्सलाम वालेकुम। जलील साहब ने तुमको भेजा है? जी जनाब, कह रहे थे आपको ड्राइवर चाहिए। अपने कागजात दो, देखूं। ये लें जनाब। ये तो सिर्फ तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस है। जी जनाब। बाकी कोई तजुर्बा और कोई गारंटी? पिछले मालिक का इजाजतनामा मेरे पास मौजूद है। तो दो। मैं खुद की गारंटी का कह रहा हूँ जनाब, मौजूद है। थोड़े दिन पहले ही जेल से छूट कर आया हूँ जनाब। मजाक कर रहे हो? यहाँ आए हो काम करने? जलील साहब ने बताया आपको एक खामोश आदमी चाहिए, ना वो कुछ सुने ना कुछ बोले, सिर्फ आपकी माने और ना किसी को जाने। उन्होंने आपके बारे में सब समझा दिया है। अब अगर आपको एक शख्स चाहिए, अंधा हो, गूंगा हो और खामोश हो, सिवाय आपको जी अच्छा बोलने के और कुछ ना जानता हो, मैं वही शख्स हूँ जिसको आप तलाश कर रहे हैं। तुम किस लिए जेल में थे? ये कहानी जरा लंबी है। हेरोइन ची हो? था जनाब, जेल में कुछ नहीं मिला इसलिए छोड़ दिया, अभी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। गूंगे और बहरे? अगर आप यही चाहते हैं तो जी हाँ जनाब। भर्ती हो गए हो? आपका बहुत शुक्रिया जनाब, मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा आदमी है, बिगड़ा हुआ नहीं है, रास्ते पर है। मैं जानना चाहता हूं कि आप क्या चाहते हैं अब? मेरे मोकिल की दरखास्त और तमाम कागजात
आपकी खिदमत में दे दिए गए हैं। जनाब, बच्चों के 2 साल पूरे हो चुके हैं और उन बच्चों के दादा सरपरस्त होने के नाते अब उनकी परवरिश वो खुद करना चाहते हैं। दलाइल और कानूनी बारीकियां बहुत ज़्यादा वजाहत के साथ आपके सामने अर्ज कर चुका हूँ। बात की वजाहत की ज़रूरत नहीं है, मेरी नज़र में आप शायद किसी गलती का शिकार हो चुके हैं। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता जज साहब। कानून ने वाजह कर दिया है कि लड़की की परवरिश 2 साल तक और लड़की की 7 साल तक माँ की जिम्मेदारी है, फिर उसके बाद बाप की है। जी, यह कानून उस वक्त का है जब बाप जिंदा हो। जी जज साहब, मगर फिर बाप के मरने के बाद दादा ही सरपरस्ते आला है। ज़रा इस शिक को देखें, देखें 11 और 81 को। इस कानून में दादा की सरपरस्ती को बाप की सरपरस्ती ही समझा जाता है और इससे आगे मैं यहाँ कानून को सामने रखता हूँ। इसी किताब की कानूनी शिक नंबर 11 और 71 में वाजे तौर पर लिखा है कि वालदेन में से किसी के फौत हो जाने के बाद बच्चे की परवरिश की जिम्मेदारी उसकी है जो जिंदा है, चाहे फौत होने वाले बच्चे का बाप ही क्यों ना हो। फिर सरपरस्ते आला के हक का क्या होगा? वो हक जो कानून ने दादा को दिया है, फिर मेरे मोकिल का क्या होगा? कि मोकिल को चाहिए कि अपने परवरिश के तमाम फराइज अंजाम दे और तमाम कानूनी तकाजों को पूरा करें। सरपरस्ती परवरिश से बेहतर है, मगर वो किसी सूरत में माँ की परवरिश के हक को कैसे छीन सकते हैं, क्योंकि कानून ने उसको ये हक दिया है। इस गलती को हम सब कर सकते हैं। फर्ज करो मैंने गलती की और परवरिश का हक आपके मोकिल को दे दिया। फर्ज करो इससे बड़ी अदालत ने भी यही गलती की तकरार कर दी। मसलन ऐसा सोचे कि यह फैसला पक्का हो गया, फिर पता चलेगा कि तुमने क्या किया। वो हक जो शरीयत और कानून ने माँ को दिया है उससे छीन लिया। ये बात तुम्हारे मोकिल के बारे में नहीं है, किसी एक शख्स की बात नहीं है, ये बात इस मुआशरे के लोगों की है। बात उस हक की है कि जो मैं एक बंदा ही नाचीज खुदा की शरीयत और कानून के खिलाफ इस मुआशरे की औरतों से छीनूं। इस मौके पर आप कैसे चाहेंगे कि मैं ये गलत फैसला करूं? क्या मैं सुकून की नींद सो सकूंगा? सर, जो कानूनी दलीलें आप मांग रहे थे वो ये हैं। सूरज का आना सूरज की दलील है, इनको पढ़कर सुना दो। क्या है? अरे वकील साहब घबराएं मत, सरपरस्ती के हुकूक के बारे में कानून है, उसी शिक नंबर 11 और 71 में से पढ़िए। नजरिया नंबर 7 और शिक 935 दफा नंबर 67/3/24 कानून की नजर में छोटे बच्चों की परवरिश करने के हक का मामला या उनकी माओ के पास मौजूद रहना कानून 64/5/6 वाज़े हक बच्चों की परवरिश का उनकी माओ को देता है। ये हक कानून में भी लिखा जा चुका है, इसमें कोई हुक्म जारी करने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ सलाहियत ना होने की बिना पर अदालत का हुक्म जारी हो सकता है। मुझे लगता है कि अब कोई बात बोलने के लिए बाकी नहीं रही। माजरत चाहता हूँ। आपकी तबीयत ठीक है? जी जज साहब ठीक हूँ। पहली बार ऐसा हुआ है कि अपने मोकिल को सही मालूमात नहीं दे सका, शायद बूढ़ा हो गया हूँ। हम सबसे गलती हो जाती है। बहरहाल आपके मोकिल सरपरस्त होने के नाते बच्चों से मिलने का हक रखते हैं। वो अपने बच्चों को लेकर यहाँ से जा चुकी है जज साहब। ना समझ है, बेवकूफी की है। उस औरत ने जरूर जब 2 साल और 7 साल की बातें सुनी तो सोचा कि बच्चों को उससे छीन कर उनके दादा को दे देंगे। मगर इस बात का ये मतलब तो नहीं कि मिलने ही ना दे। नहीं नहीं है, सरपरस्त को बच्चों से ना मिलवाना भी एक जुर्म है, मगर इसकी शिकायत इस अदालत में नहीं की जा सकती, पहले थाने में शिकायत करनी होगी। मैं जरूर ये काम करूंगा जज साहब, यही मुजरिमों वाला काम दलील बनेगा और उससे परवरिश की जिम्मेदारी छीन ली जाएगी। ये ठीक है कि बूढ़ा हो गया हूँ, मगर ये काम जरूर करूंगा।
तुम्हें पता है ना आजकल ये लोग हम पे नजर रख रहे हैं। तुमने बताया था। उसको देखो, इसी की कमी थी बस। ओ कहाँ गुम हो? जी फरीदन साहब, एक बात भूल गया था तुमको बता दूं। जो हुक्म बोले। यहाँ ऐसा नहीं है जो तुम सोच रहे हो, यहाँ कोई बेसहारा नहीं है। इन बूढ़ी आँखों से किसी के बीवी बच्चों को जैसे देख रहे हो। एक इंजीनियर यहाँ पर मौजूद है जो चार आँखों से सब कुछ देख रहा है। उसे मालूम हो गया तो तुम्हें घसीटता हुआ कहीं बाहर फेंक देगा। उसके लिए बिल्कुल जरूरी नहीं कि तुम किसके लिए काम कर रहे हो और किससे तनख्वाह ले रहे हो। मैं भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकूंगा, समझ गए ना? फरीदुन साहब, आपकी जान की कसम, हुजूर की बकवास मेरे सामने मत करो। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा और तुम कह रहे हो। साहब आपकी जान की कसम, जान की कसम, मेरी जान की कसम, मैं ये काम करता ही नहीं। तो क्या तुम सिनेमा पे फिल्म देख रहे थे? नहीं, ये मुझे कुछ जाने पहचाने लग रहे थे। जानी पहचान? इनको देख रहा था। जी हाँ, मेरी जान की कसम, सिर्फ इसलिए मैं इनको देख रहा था। मुझे लग रहा था इनको कहीं देखा है। कहाँ देखा है इनको? कहाँ देखा है याद नहीं आ रहा, यही सोच रहा हूँ। याद नहीं आ रहा। सोचो कि कहाँ देखा है इनको। वही सोच रहा हूँ कि कहाँ देखा है इनको। कहीं देखा है मगर याद नहीं आ रहा। कहीं तुम्हारे मोहल्ले में तो नहीं रहते? कहीं आगे पीछे रहते हो? नहीं, मेरे मोहल्ले के नहीं थे। जेल में देखा हो? आए होंगे किसी से मिलने के लिए। जबरदस्त, हाँ शायद इनको मैंने जेल में देखा हो। शायद जेल में नहीं देखा हो। शायद क्या है, जरा सोचो, अपने दिमाग पर जोर दो कि इनको कहाँ देखा है। इसी तरह मैं भी सोच रहा हूँ, खुदाया मैंने इनको कहाँ देखा है। आपको मालूम है मेरे दिमाग में ताला लग गया है या फिर गलती कर रहा हूँ? वो क्या कर रहा है? सुनो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी अम्मी ने नहीं बताया कि कचरे में नहीं खेलते? ये क्या है जो तुम पीछे छुपा रहे हो? ये सिगरेट के कागज तुम क्यों जमा कर रहे हो? देखें बाबा जान। मैं जानता हूँ ये क्या है। किसने तुमसे ये जमा करने को कहा है? तुम्हारी मम्मा कहाँ है? अच्छा बताओ, तुम्हारे बाबा कहाँ है? वहाँ। कहाँ? उधर है। चलो मैं देखती हूँ। नाहिद बाजी, तुम्हारे मामा बाबा को मालूम है कि तुम ये सब कर रहे हो? बताओ कहाँ है तुम्हारे बाबा? शख्स जो अपने बीवी बच्चों के लिए भूखा रह सकता है, वो ये सब भी कर सकता है। सनावाजी, आज तुम अपने बच्चे से सिगरेट के डिब्बे के कागज मंगवा रहे हो, कुछ दिन बाद तुम उससे हीरोइन मंगवाओगे। सनाबाजी, अगर आपने ये बात किसी से कह दी तो हम बदनाम हो जाएंगे, जलील हो जाएंगे हम। तो अभी कौन सा खुशकिस्मत हो? हाँ, हमारी किस्मत खराब है, मेरे बच्चे दरबदर हो जाएंगे, कुछ तो सोचें आप। सना बाजी, तुम्हारी गलती तुम्हारे शौहर से कम नहीं है, शायद तुम उससे ज्यादा कसूरवार हो। बदनसीब है ये बच्चा। लेकिन सना बाजी,
या मेरे अल्लाह। उस दिन मेरे दिल में इसके लिए कितनी इज्जत बढ़ गई थी। इसने अपना खाना नहीं खाया था कि इसके बच्चे खा सकें। मैं सोच रही थी कितना अच्छा बाप है, इतना अच्छा है। अगर एक दिन बुरा है तो बुरा हो गया। फरीदून ने मुझे रिश्वत देने की कोशिश की, ये दुनिया की फितरत है। तो अब हम क्या करेंगे, इंजीनियर साहब को बताएं? नहीं बेटा, मुझे किसी की शिकायत करना अच्छा नहीं लगता। बाबा जो वो कर रहा है उससे मुसीबत में पड़ सकता है। कैसी मुसीबत बेटी? वो लोग समझ गए कि अब उनका काम यहाँ नहीं बनेगा। अगर वो लोग राय रास्त पर नहीं आए तो दोबारा ऐसा किया तो इंजीनियर से कहूँगा। मतलब ये कि इंजीनियर साहब को नहीं बताए हम? वो एक अलग मामला है। कैसे अलग मामला है? आपने खुद कहा है कि शिकायत नहीं करेंगे। मैं तुमसे फरीदून की बात कर रहा हूँ। फरीदून और उसका पार्टनर बहुत बेईमान है, हर काम में बेईमानी करते हैं। लेकिन मजीद का मामला कुछ और है। ना समझ है, बीमार है। ये उसके लिए और उसके बच्चों के लिए नुकसानदेह है। अगर इंजीनियर को पता चल जाए तो वो उसकी मदद जरूर करेगा, और शायद वो उसको निकाल भी दे। हाजी साहब, हाजी साहब, क्या आप घर पे मौजूद हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा। वालेकुम अस्सलाम। आप लोग बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आ जाएं, चाय वगैरह पीते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, अभी पी कर आए हैं ऑफिस से। शाबानी साहब कह रहे थे कि मजीद की बीवी के साथ कोई बात हो गई है। कुछ हुआ है क्या? नहीं, वो बस बच्चों के बारे में बात कर रहे थे। उनसे मेल जोल नहीं रखें तो बेहतर है, वो इस काबिल नहीं है। उसका शौहर नशा करता है। आप ये सब जानते हैं? हाँ, कुछ दिनों से जानता हूँ। उस वक्त फिर आपने कुछ भी नहीं किया? क्यों नहीं, शबानी से कहा है कि नजर रखे कि कौन उसको नशे का सामान लाकर देता है। अगर कोई यहाँ का आदमी उसे नशा लाकर देता तो अब तक पता चल जाता। अच्छा, अगर इजाजत दें तो मैं चलता हूँ। खुदा बड़ी मेहरबानी। खुदा हाफिज सना साहिबा, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। जनाब, मैं हाजिर हूं। मुझसे कोई काम था? मजीद, यहां आओ। मजीद, जी शबानी साहब, अस्सलाम वालेकुम। कल सुबह जितनी जल्दी हो सके अपना सामान समेटो और चले जाओ। इंजीनियर साहब ने कहा है तुम्हारा अब यहाँ कोई काम नहीं है। सना बाजी, क्या हुआ नाहिद बाजी? मिन्नत की थी आपसे, गुजारिश की थी कि इंजीनियर साहब से कुछ नहीं कहना। आप
आपसे ये उम्मीद नहीं थी सना बाजी, बिल्कुल ये उम्मीद नहीं थी आपसे मुझे। क्यों किया आपने ऐसा? मैंने? लेकिन मैंने इंजीनियर साहब से क्यों झूठ बोल रही हैं आप? आपके सिवा इंजीनियर साहब को कौन बता सकता है? छोड़े मेरे हाथ को, जलील करके रख दिया है, कहीं का नहीं छोड़ा, कहीं का नहीं छोड़ा हमें। नाहिद बाजी, नाहिद बाजी बात सुने। बाबा आज का दिन ही बहुत बुरा है। अस्सलाम वालेकुम सबको। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताओ सामान की लिस्ट तैयार है? सलीमा जी बोले। एक कप चाय आपके हुक्म से मिल सकती है? जी अभी नहीं है। नहीं है? नहीं जी। हाँ नहीं है, आप ये लीजिए। मैं तैयार हूँ फरीदून साहब। ठीक है गुलामी, पहले तुम जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माफ कीजिएगा, हम आपके पास बिन बुलाए बार बार आ जाते हैं, आप मुझे बदतमीज ना समझें। मुझे मालूम है औरतों से किस तरह बात की जाती है, मगर मुझे लगता है कि मैं आपको जानता हूँ। मैं इतना सोच रहा हूँ कि आपको मैंने कहाँ देखा है, मेरे इस दिमाग में नहीं आ रहा। हाँ मैं आपको जानता हूँ। अब मैं पहचाना, आप शाना बशाना अपनी वालदा मोहतरमा के साथ होती थी, हाफजाबाद में, शाहपुर में, खैबाने फरजंदा में। नहीं भाई मुझे नहीं लगता है। अच्छा अमीरिया का तो पूछा ही नहीं, शाहपुर सुलेमान खान। दरअसल आप जहाँ का बता रहे हैं मुझे वहाँ का मालूम नहीं। मतलब? अरे दफा करो इस बात को, लगता है जैसे कोई तुम रिश्तेदार हो। चलो अभी बहुत सारे काम है। अच्छा फरीदून साहब, पहले जाकर उस नशे मजीद और बीवी बच्चों को बाहर छोड़ो, अभी उनको यहाँ से लिए जाओ। उनको कहाँ लेकर जाएंगे आप लोग? इंजीनियर ने कहा है कि उनको शहर के बस अड्डे पर ले जाकर छोड़ दें, वहाँ से जहाँ जाना चाहें चले जाएं। वैसे भी अब यहाँ से सब चले जाएंगे। चलो। तुम खुद को क्यों इतना परेशान कर रहे हो? अब मुझे देखने क्यों नहीं दे? सना बाजी, सना बाजी, अगर आपने ये बात किसी से कह दी तो हम बदनाम हो जाएंगे, जलील हो जाएंगे हम। हाय क्या होगा? क्या हुआ बताएं बाजी, कहाँ जा रही हैं? कासिम रजा तुम लोग कहाँ हो? तुम लोग क्यों बहस कर रहे हो? हमारे पास वक्त नहीं है। कसम से। मजीद जल्दी करो, जो भी सामान वामान है गाड़ी में डाल दो जल्दी। फरीदून साहब, फरीदून साहब, आपको आपकी माँ की कसम, कोई मेहरबानी करें बर्बाद हो जाऊंगा। जब तुम नशा करते थे तब तुम्हें ये बात सोचनी चाहिए थी। मैं छोड़, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, इंजीनियर का हुक्म है। गुलामी जी फरीदून, जब तक मैं वापस आऊँ ये सब कचरा लोड हुआ हुआ हो। जी जो आपका हुक्म। मेरे मोहतरम भाई इसको हाथ ना लगाए, मैं खुद रख दूंगा। अच्छा ठीक है भाई, ऐसे जैसे इसमें सोना रखा हो, हाथ मत लगाओ, उठाओ इसे, मैं सफाई करूंगा। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम, कैसे हैं आप? तुम कैसे हो? माफ कीजिएगा जनाब, सना साहब आई हैं जो बावर्ची खाने में काम करती हैं। अच्छा। बहुत इसरार कर रही हैं आपसे मिलना चाहती हैं, मैंने उनको बताया कि आप मसरूफ हैं, कह रही हैं जरूरी काम है। अच्छा कहो आ जाएं। कह दूं आ जाएं? हाँ। सना साहिबा आ जाएं। मुझे इजाजत दें। खुदा की अमान में रहो। मसूद अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बोलिए मोहतरमा। मैं ये जानना चाहती थी कि क्या मजीद और उसके बीवी बच्चे ये जगह छोड़कर जा रहे हैं? जी। फिर क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वो लोग रुक जाएं? क्यों नहीं,
मैं ANF के सिपाहियों से रابता कर सकता हूँ। कह दूंगा कि एक शख्स यहाँ कंपनी के रहने की जगह पर नशा करता है। वो नशा करने के लिए नशा कहाँ से खरीदता है नहीं मालूम, और नहीं मालूम मुझे, शायद नशा बेचता भी हो। बहरहाल कोशिश की है कि उस बुराई को यहाँ से खत्म कर दूं। बाकियों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। कोई और बात करनी है आपको? वो लोग अगर यहाँ से चले जाएंगे तो सड़कों पर दरबदर हो जाएंगे। मतलब आप कोई और फैसला नहीं कर सकते हैं क्या? इसको तुम कल तक बिल्कुल पानी नहीं दोगे। ठीक है जनाब। मोहतरमा सना साहिबा, मुझे इस कंपनी के तमाम अंदरूनी और बैरूनी मामला देखने होते हैं। इसके अलावा भी यहाँ के और बहुत काम है। और मोहतरमा, मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ के कवानीन और शराइत पर अमल किया जाए। इसी वजह से ना तो मेरे पास इसके लिए वक्त है और ना मेरे फराइज में है कि मैं अपने काम छोड़कर इस बारे में सोचता रहूं। मजीद अपनी ही गलती की वजह से, जो आप जानती हैं, निकाला जा रहा है, और ये कि बाद में क्या होगा इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। माफ करिएगा कुछ सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, मगर क्योंकि कोशिश करता हूँ कि आखिर तक साथ काम किया जाए, जरूरी है कि हदूद और लिहाज दरमियान में कायम रहे। और कोई बात करनी है आपको? अगर कभी जंग में आपका कोई आदमी जख्मी हो जाता था तो क्या आप उसे छोड़ देते थे, या आप वहाँ पर भी ऐसा ही करते थे? क्या आपके लिए ये जरूरी कभी नहीं हुआ कि या तो वो मर जाए या फिर वो कैद हो जाए? नहीं, शायद उन दिनों भी आप ऐसे ही सोचते थे। माफ कीजिएगा मुझे, इजाजत दें। लड़की को क्या हो गया है इंजीनियर? इंजीनियर साहब, अच्छा अभी वो जवान है, उसके मुंह से कुछ निकल गया होगा, आप दिल पर मत लें। इन लोगों ने जंग को सिर्फ अखबार की खबरों, रेडियो और टेलीविजन पर सुना और देखा है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल नहीं देखा है, बस इसी तरह सोचते हैं सिर्फ। मगर आज इस लड़की ने मेरे पुराने जख्म फिर ताजा कर दिए। जी हाँ बिल्कुल, ना कुछ देखा और ना कुछ सुना। नहीं, उसने देखा भी है और सुना भी होगा उसने। बेटा बेटा, इसको ऐसे मत फेंको, आओ तो मेरे गोद में आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सना बाजी, काम सारा हो गया, मोहम्मद को सुला दूंगी और नाजगुल को भी नाश्ता दे दूंगी। आप बावर्ची खाने में जल्दी आ जाइएगा, सलीमा बाजी अकेली हैं। जी अच्छा ठीक है, मैं बच्चों को सुलाकर अभी आती हूँ। नहीं पाजी, ज्यादा परेशान ना हो, खुदा बहुत बड़ा है। जी खुदा बहुत बड़ा है। मजीद भाई, माफ़ कीजिएगा, शायद ये बहुत कम है, लेकिन जब तक आपको कोई नौकरी नहीं मिल जाती आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी। नहीं, हमें खैरात की ज़रूरत नहीं है, और हाँ अगर हमारा काम खैरात लेना होता तो इससे अच्छा था कि हम, मैंने इनसे कहा था मजीद, मैंने कहा था इनसे हम दरबदर हो जाएंगे, मत कहें, खुदा की कसम कहा था इनसे। अब ठीक है, खुश हो गई आप, सुकून मिल गया आपको? गुस्सा मत हो बहन। कैसे गुस्सा ना करूं? बस बस चुप हो जाओ नाहिद, चुप हो जाओ। ठीक हो गया ना? नाहिद, या मेरे अल्लाह, नाहिद मुझी। बस करो, चलो चल कर बैठो। मजीद, मजीद, चलो इंजीनियर बुला रहे हैं।
सुनने में आया है मजीद भाई को निकाल रहे हैं, क्या ये सही है बाजी? हाँ, वो अपने बीवी बच्चों के साथ जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद सो गया? हाँ मोहम्मद सो गया और नाजगुल खेल रही है, थोड़ी देर खेलने दें, मैं दोबारा जाकर देख लूँगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने सुना मजीद भाई को ले गए हैं? कहाँ पर? फिलहाल तो ऑफिस लेकर गए हैं, कह रहे हैं कि पुलिस के हवाले करेंगे। जीनत आओ, चलो जल्दी करो। मैं एएनएफ के सिपाहियों से रابطہ कर सकता हूं। एक शख्स यहां कंपनी के रहने की जगह पर नशा करता है। वो नशा करने के लिए नशा कहां से खरीदता है नहीं और नहीं मालूम मुझे, शायद नशा। अगर मुझसे पूछे तो किसी ने जाकर मजीद भाई की चुगली की है और ना किसी को भी नहीं मालूम था। मैं तो कहती हूँ अगर मजीद भाई नशा करते हैं तो उन्हें निकाल क्यों नहीं देते, क्यों उन्हें जेल भेजना चाह रहे हैं? बच्चों को दरबदर करने वालों को खुदा भी माफ नहीं करता। अगर वो नशा करता है तो उसका इलाज करवा दें। इन्हीं बातों की वजह से मामला बड़ा है। अच्छा, वो इब्राहिम सफाई वाला है ना? हाँ हाँ। कह रहा है मजीद को जब किसी ऑफिस के कमरे में ले जा रहे थे तो उसने खुद सुना है कि इंजीनियर टेलीफोन पर किसी से बात कर रहा था। कह रहा था कि आप अभी आ जाएं, इसी वक्त आ जाएं, आज ही आ जाएं, मैं एक मिनट भी नहीं रुकूंगा। मालूम नहीं ये कैसी बातें हो रही हैं। सही कह रही हो, इस दौर में किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। सना बाजी बोले। चावल तैयार हैं, आप इसे देखेंगी नहीं? जी हाँ। निकालने के लिए चमचा ले आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मजीद भाई का कुछ पता चला? हाँ, उसे लेने आए हैं। कह रहा है उसे लेने आए हैं? उसे लेने आ गए? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रजा भाई, कुछ पता चला आपको? जो मजीद को लेने के लिए आया है वो बहुत खतरनाक है। कह रहा है जो शख्स मजीद भाई को लेने आया है वो बहुत खतरनाक है। खतरनाक तो होंगे पुलिस वाले जो हैं। अस्सलाम वालेकुम सना साहिबा, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। दो और हैं, हमारे मेहमान आए। जी अच्छा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? माफ करिएगा, खाने में क्या है? सब्जी है। सब्जी? लेकिन मैं सब्जी नहीं खाता। फिलहाल तो आज यही बना है। अच्छा, फिर कम से कम इसका सालन ज्यादा कर दें। उसका सालन ज्यादा कर देना। ये लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और क्या चाहिए? खुरचन नहीं है क्या? खुरचन? हाँ खुरचन। हमारे पास खुरचन है क्या बाजी? जी नहीं। ठीक है, चले। ऐसा लगता है सारा खाना यही खा जाएगा। जी कुछ नहीं, सोच रही थी कि कुछ फल वगैरह भी लेकर आ जाऊँ आपके लिए। फल? फल ऑफिस में। हाँ, फल फल आ जाए आप। चले। दिखने में तो ऐसा लगता है कि पूरी देख ये अकेला ही खा जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। ये लीजिए जनाब। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? ठीक हूँ। सबको बराबर देना। जी अच्छा। मिल गया है सबको? लगता है सब आ गए हैं, 60 से भी ज्यादा हैं। जब सब खाना खा लेंगे तो मैं जाके बर्तन उठाऊंगी। नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जाकर उठा लूंगी फिर तुम धो लेना। सब लोगों को लग रहा है कि मामूली बात है, जबकि मामूली बात नहीं मुश्किल है। मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल हो गई है। बात बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। सबसे पहला कदम सब जान पहचान वालों और जिन लोगों से ताल्लुकात हैं अलग करना होगा। वो सब जान पहचान वालों को पकड़ना चाहते हैं। किसी को अलग करने की बात कर रहे थे, किसी शख्स की बात कर रहे थे, अब पता नहीं कौन है। शायद ये वही हो जो उसके लिए ड्रग्स लेकर आता था। रुको जरा मैं सुनकर आती हूँ क्या कह रहे। फिर सबसे जरूरी चीज लॉकअप करना है। एक बिल्कुल लॉकअप जैसा कमरा जिसमें उसे किसी से भी बिल्कुल मिलने नहीं दिया जाए। ये ले। बुरी खबर है, वो लड़का तो अब गया, इसको माफ नहीं करेंगे। क्या हुआ है? कुछ नहीं। क्या हुआ है? वो उसे लॉकअप करने की बात कर रहे थे। लॉकअप नहीं, जहन्नुम का है। मेरा पहला शोहर कुछ साल जेल में था। कह रहा था कि बाहर का एक साल एक तरफ और जेल का एक महीना एक तरफ। और हाँ,
वो ड्रग्स के केस में थोड़ी अंदर गया था, उसकी तो लड़ाई हुई थी। मगर इसको माफ नहीं करेंगे, इस बदबख्त की तो शामत ही आएगी, ये तो वहां मर जाएगा बाजी। आप लोग क्यों उसके साथ इस तरह से कर रहे हैं? सना साहबा हमारे बावर्ची खाने की इंचार्ज है। इंचार्ज साहबा माफ करिएगा, क्या आपके बावर्ची खाने से थोड़ी सी खुर्चा मिल जाएगी मुझे क्या? अगर मुझसे कोई बदतमीजी हुई है, अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लग गई है, तो मैं उसके लिए आपसे माफी मांगती हूँ। मामला क्या है? मैंने तो खुर्चन मांगी थी। देखिए, अगर वो नशा करता है तो उसे बाहर निकाल दे। मैंने आप लोगों को बताया था ना, मुझे बाहर निकाल दे, मगर इन लोगों के हवाले क्यों कर रहे हैं? मैं फिर उसे किसके हवाले करूँ? उसे छोड़ दें कि वो कहीं और चला जाए, लेकिन ये ना करें आप। वाला अगर नशा छोड़ना चाहे तो उसे डॉक्टर के ही हवाले करना पड़ता है। क्या? डॉक्टर खाजनी ड्रग्स के इलाज के स्पेशलिस्ट हैं और डॉक्टर मुरादी हमारे यहाँ के इस कंपनी के डॉक्टर हैं, जिनका तारुफ कराने की जरूरत नहीं। आप यहाँ बैठ जाए। डॉक्टर खाजनी मेरे पुराने दोस्तों में से एक है। सच पूछे तो बहन, इंजीनियर से दोस्ती करके मुझे सिर्फ दुश्मनी ही मिली है। एक अरसा हमारे ऑफिसर रह चुके हैं, एक कलाशंकोफ हमें देकर कहते थे ये रही इसकी गोलियां और जाओ वहां जाकर बैठ जाओ और इराकियों के टैंक निशाना बनाओ। इन्हें लगता था जिससे वो कोई कव्वे हैं। यकीन करें मेरी बहन, एक साल बड़ी मुश्किल से गुजरा, सोचा छुट्टी ले लूं, वो भी एक हफ्ते की छुट्टी मिली। छुट्टी लेके मैं शुमाल गया तो जनाब ने वहां भी फोन कर दिया। इंजीनियर, अब मैं तुम्हारी बटालियन में नहीं हूँ। डॉक्टर साहब, हमारी इज्जत तो करते हो ना? हाँ हाँ, ये तो सच है। देखें, मैं 3-4 दिन तक रुकूंगा, इब्तदाई सारे काम कर लूंगा, मगर फिर फौरन शुमाल चले जाऊंगा। डॉक्टर मुरादी मौजूद हैं, वो सब काम संभाल लेंगे। हफ्ते में एक दफा देखने के लिए मैं आ जाया करूंगा। अच्छा, तुम इलाज शुरू करो, तवज्जा देना हमारी जिम्मेदारी। ओ हाँ, तुम कह रहे हो तवज्जा, तो देखो मैं अपने साथ कोई नर्स नहीं ला सकता क्योंकि मसरूफियात बहुत ज्यादा हैं। घर वालों में से कोई मौजूद ना हो तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं समझता हूँ कि ऐसा कोई हो जो मुकम्मल उसके साथ मौजूद रहे और अपने काम का भी पक्का हो। अगर आपकी इजाज़त हो तो क्या मैं ये काम कर सकती हूँ? कोई बात नहीं, सिर्फ एक शर्त होगी और वो ये कि मेरे खाने में हमेशा खुरचन होनी चाहिए। सच पूछें तो अगर पुलाव में खुरचन ना हो तो मैं उसे पुलाव नहीं मानता। जैसे खाना बगैर नमक का है, जरा सी भी खुरचन हो वो भी काफी है। इंजीनियर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मुझे शुक्रिया कहना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम बेटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो मजीद? थोड़ी मुश्किल होगी अभी। बाबा जान, आप यहाँ क्यों आ गए? सोचा शिफ्ट बना लेते हैं। नहीं बाबा जान, मैं खुद ही रहूंगी, आप सुबह से काम पर थे। अच्छा, बच्चे भी तुमसे मिलना चाहते हैं, तुम जाओ, मैं यहीं पर जाओ। मैं जा रही हूँ डॉक्टर साहब, खुदा हाफिज़ बाबा जान। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। परेशान नहीं हो। खुदा हाफिज़। सना बाजी, नाहिद बाजी, आप यहाँ इतनी रात में? माफी चाहती हूँ, मुझे माफ कर दे। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? शर्मिंदा हूँ, मैं बिल्कुल गलत सोच रही थी। इंजीनियर साहब ने बताया आपने ये सब हमारे लिए किया है, तो मैं बहुत शर्मिंदा हुई। आपका दिल बहुत बड़ा है, बस अरे मुझे क्या माफ कर दे। ऐसा नहीं करें ना, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। अरे खुद को संभालें आप, परेशान ना हो। तबीयत कैसी है उसकी, ठीक तो है? हाँ वो ठीक है, अभी 2 डॉक्टर हैं मजीद भाई के साथ। नहीं मालूम, मैंने सोचा कि उसके साथ रहूं, मगर डर गई कि कहीं दोबारा। नहीं, अभी आप उनके साथ ना रहें तो बेहतर है, जरा उनकी तबीयत ठीक हो जाए, ठीक फिर आप उनसे आराम से मिल लीजिएगा। मुझे डर है बाजी,
कहीं वो दोबारा ना शुरू कर दे। इंशाल्लाह वो नहीं करेगा, आप उसके लिए दुआ करें। बल्कि हम सबको उसके लिए दुआ करनी चाहिए। नाहिद बाजी आप अब घर जाएं अपने बेटे के पास, उसका ख्याल रखें और इत्मीनान रखें। आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? सना बाजी, मैं अब अकेली हो गई हूँ, तो मैं सोच रही थी कि जब आप घर पे नहीं होती तो मैं आपके बच्चों को संभाल लूं। अरे मेरी बहन, तुम वाकई बहुत अच्छी हो। नहीं सना बाजी, आप बहुत अच्छी हैं। क्या हुआ वकील? ऑर्डर जारी कर दिया गया है। वकील साहब, ऑर्डर किस बारे में जारी किया है? देखिए वकील साहब, जब तक ये ऑर्डर जाएगा, आएगा, जवाब मिलेगा, नंबर मिलेगा और फिर हमें मिलेगा, तो दाढ़ी मूछें निकल आएंगी मेरे पोते की। जनाब फिरदौस साहब, ऐसा क्या चाहते हैं कि परवरिश आपको मिल जाए? बात सुनो, वो मेरे पोते को लेके भाग गई है। अब तमाम पुलिस स्टेशन, पुलिस चौकियों, होटल, मुसाफिर खाने, गैराज, बसों के अड्डे, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, सबको खत लिख दे, सबको बोल दो कि वो यहाँ से बाहर न जाने पाए। कोई और जगह रह गई हो तो बता दें। बाकी जो बची है उसका तुम खुद सोचो। अरे बाबा, तुम आखिर हमारे वकील हो, तुम्हें बताना चाहिए कि वो औरत एक चोर है, धोखेबाज है, अगवा किया है, कानून तोड़ा है, कातिल है, पागल है, दहशतगर्द है। हाँ, मेरी नकल कर रहे हो, मुझे बेवकूफ समझते हो? ला इलाहा इल्लल्लाह। नहीं भाई, जो मैंने कहा तुम समझो या ना समझो, एक बात मैं बहुत अच्छी तरह समझ गया हूँ। इस सारे केस में यही गलती है कि तुम समझ नहीं सके हो। फिरदौस साहब, जब मैंने कहा कि जारी हो गया है तो ऑर्डर अपने मराहिल में है, मुख्तलिफ तरीकों से जारी हो गया है, उस औरत को तलाश करने के लिए और आपके पोता पोती को, पुलिस और दूसरे इदारों को। अगर मेरे लिए कोई काम नहीं तो मैं जाना चाहूंगा। शबानी साहब जी, इस फाइल को अकाउंट ऑफिस में जमा करवा दें। बहुत शुक्रिया। अच्छा अम्मी, यही हमारी कंपनी है। आप पूछती थी ना कि हमारी कंपनी कहाँ है, यही है मेरी कंपनी। बुरी जगह नहीं है, मैं सोचती थी अगर आप 2 मिनट रुक जाएं तो मैं अपने ऑफिस का एक छोटा सा काम निपटा कर अभी आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। बावर्ची खाना कहाँ है? बावर्ची खाना वहाँ है, मगर क्या काम है? कहते हैं किसी घर की हालत देखनी हो, अच्छी या बुरी, पहले बावर्ची खाने से शुरू करो। मेरी अम्मी जान, मैं आप पर कुर्बान हो जाऊं, पहली बार आप कंपनी आई हैं और फिर बावर्ची खाने चली जाएंगी तो बुरा लगेगा, कहेंगे जरा इंजीनियर की माँ को देखो, पहली दफा आई हैं, कितनी पेटू हैं जो बावर्ची खाने में आ गई हैं। इजाज़त हो तो मैं अपना काम करके आता हूँ, फिर घर चलेंगे और थोड़ी देर आराम करेंगे, खाने के वक्त वापस आ जाएंगे, फिर बावर्ची खाना देख लीजिए। ठीक है। Thank you.
सलीम अबाजी जाके चावलों को उठाकर ऊपर रख दें। जी ठीक है। उठाओ उठाओ उठाओ। वर्कर्स ने आना शुरू कर दिया है। ठीक है बस शुरू करें, आप लोग खाना निकालना शुरू करें। या अल्लाह, इजाजत है? अस्सलाम वालेकुम, आ जाइए। वालेकुम अस्सलाम। मैं कहना चाहता हूँ कि आज एक खाना मुझे ज्यादा मिल जाएगा। मेरी एक मेहमान आई है, मेरी वालदा है। अस्सलाम वालेकुम। ये है मेरी वालदा। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मैंने इनसे बहुत कहा कि अम्मी खाना ऑफिस में बैठ कर खा लेते हैं, लेकिन कहने लगी कि मैं कैंटीन में ही खाऊंगी। मैंने सोचा आप लोगों को मेहमान नवाजी पसंद है तो आप लोगों के साथ ही खा लेती हूँ। जी बिल्कुल क्यों नहीं, लेकिन यहाँ बहुत गर्मी है। कोई बात नहीं, जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उसे गर्मी ज्यादा अच्छी लगती है। ठीक है तो फिर आप यहाँ बैठिए। मुझे अब जाने की इजाज़त देंगी? जाओ बेटा जाओ, अपना काम करो। फिलहाल इजाज़त दें। बिस्मिल्लाह। एक मिनट में अभी आई। निकाल लो बेटा। सर्वर बाजी जी, पहले आप यहाँ आए और ये खाना जाकर मजीद भाई को देकर आ जाएं। लाइए। अम्मा जान माफ कीजिएगा, वो हमारे यहाँ पर एक शख्स बीमार है, पहले मैं उसके लिए खाना भिजवा दूँ। जानती हूँ मैं। आप जानती हैं? तुम मुझे इस तरह क्यों देख रही हो? कुछ माएं ऐसी होती हैं जिनके बेटे उनके सामने मुंह बंद नहीं रखते। सरवर बाजी बड़ी मेहरबानी, आपकी ये ले जाइएगा और मजीद भाई को दीजिएगा, वहाँ से जल्दी वापस आइएगा। जल्दबाजी नहीं करना बेटा, आराम से बैठ के मरीज को खाना खिलाना, मैं यहाँ तुम्हारी जगह हूँ। जी अच्छा ठीक है। अगर इंजीनियर साहब को पता चल गया कि ये इतनी देर से वहाँ तो पर क्या तो... हुआ? मैं उस इंजीनियर की माँ हूँ और यहाँ मैं तुम्हारे साथ एक वर्कर हूँ। अच्छा तो इस तरह का मुझे एक एप्रन ला के दो और फिर बताओ कि मुझे क्या करना है। सलीमा बाजी, सना बाजी मैं उन्हें खाना देकर आ गई हूँ। लाइए, अब ये काम मैं कर लूंगी। तुम जाके कोई और काम कर लो, मैं यहाँ ठीक हूँ। खटास के लिए क्या डालती हो? लीमू का रस डाला है। किसी चीज की कमी नहीं है और खुशबू भी कितनी अच्छी है, इसीलिए तो लीमू का रस डालती हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। अम्मी जान कैसी हैं आप? सोच रहा हूँ आपके यहाँ होने का फायदा उठा लूँ। क्या अम्मी मुझे एक दो बूटियाँ ज्यादा मिल सकती है? इंचार्ज वो है, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि ये बातें उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर जैसी आपकी मर्जी। ये लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे इजाजत दे। कोई बात नहीं, अब रहने दे, नहीं निकाले, खा लिया सबने। ठीक है। सुना है तुमने मेरे बेटे को सुधार दिया। अम्मा जान आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। ऐसी कोई बात नहीं, अच्छा काम किया है तुमने। पहली बात, किसी और का हक किसी दूसरे को नहीं दो। दूसरी बात, बाज़ औकात हम से बड़े भूले से कोई गलती कर रहे होते हैं और छोटे उनके समझने के लिए कोई कदम उठाते हैं। और तीसरी बात ये है कि मर्द लोग बहुत लापरवाह होते हैं। वो समझते हैं कि दुनिया में सब कुछ ठीक है और वही इसे चला रहे हैं। कभी कभी हमें ऐसा करना पड़ता है कि उनकी अकल ठिकाने आ जाए। गुलामी,
तुम जल्दी बावर्ची खाने जाओ और कल के सामान की सारी लिस्ट लेकर आ जाओ। बिल्कुल ठीक, देर नहीं करना, जल्दी आ जाना। ठीक। वाह मजीद भाई, कैसे हो? वाह वाह, आग भी जला कर बैठे हो, मौसम भी अच्छा है, दिन तुम्हारे कैसे गुजर रहे हैं? हाँ, मुश्किल वक्त से गुजर रहा हूँ, बहुत मुश्किल। ठीक हो जाएंगे। अरे नासरी, तुम्हें फिर से कुछ हो गया? डॉक्टर तुम्हारी जरूरत का सामान ले आया हूँ। सना बाजी, दालें सारी खत्म हो गई हैं। कुकिंग ऑयल भी खत्म होने वाला है। 10 किलो हरा मसाला भी लिखवा दीजिएगा। सना बाजी, बर्तन धोने का साबुन खत्म हो गया है, वो भी लिखना है। ताजा फल भी लिख दीजिएगा। ताजा फल लिख दिए हैं। क्या बात है गुलामी भाई? कुछ नहीं, माफ कर दे मेरी बहन। वाह खुदा, कसम से मुझे आप गलत मत समझिएगा, मगर नहीं, मुझे कुछ जानी पहचानी लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैंने आपको मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैंने यहाँ आने से पहले आपको कभी नहीं देखा है, मैं नहीं जानती आपको। जी जी जी, ये पकड़े लिस्ट। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। गुलामी भाई, बात सुने? जी मेरी बहन। वो मेरे बेटे का दूध का डिब्बा खत्म हो गया है। गुलामी भाई, अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या आप शहर के मेडिकल स्टोर से 2 डिब्बे दूध के भी लाकर दे सकते हैं हमें? अच्छा मेरी बहन, कोई बात नहीं, लाए दे दे। मैं आपको उसका नाम लिख कर दे रही हूँ, आप देख कर वही लेकर आइएगा, देख कर लीजिएगा। वही लूंगा। मैंने नाम लिख दिया है। लिखने की जरूरत नहीं है मेरी बहन, क्या कोई आपके पास उसका खाली डब्बा नहीं है? बस फिर मैं बिल्कुल वही ले आऊंगा। हाँ है तो, लेकिन वो घर पर है। सलीमा बाजी जी, 10 मिनट अगर आप बावर्ची खाने को संभाल लें तो मैं घर से होकर आ जाइए। नहीं, घर जाने की जरूरत नहीं है, अगर घर में कोई है तो मैं खुद दरवाजा बजा कर ले लूंगा। आप क्यों परेशान होंगे? नहीं कोई बात नहीं, कैसी परेशानी? हाँ, वो मजीद भाई की बेगम मेरे घर पर है, जाकर आप उनसे कह दें कि पीछे वाले कमरे में जो अलमारी है ना, उसके ऊपर 2 दूध के डिब्बे हैं, जो खाली है वो आपको दे। जी जी, अच्छा अच्छा, तो आप रुके, मैं दूध। जरूरत नहीं है बहन, पैसे हैं, लेकर आ जाता हूँ, बाद में ले लूंगा। अक्कड़ बक्कड़ बम्मे बो, हसन की गाय कैसी है, ना देती है वो दूध। आप यहाँ बैठो, मैं देख कर आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सना भाजी ने कहा है कि मैं शहर जा रहा हूँ, बच्चों के लिए दूध का डब्बा ले आऊँ। यहाँ इसलिए आया हूँ कि उस दूध का खाली डब्बा ले लूँ, ताकि गलती से कोई और दूध का डब्बा ना ले आऊँ, बिल्कुल वही दूध का डब्बा लाऊँ। उन्होंने कहा है कि पीछे के कमरे में एक खाली डब्बा मौजूद है। हाँ ठीक है, मैं अभी लाकर देती हूँ आपको। मुझे ये सब अगर मगर शायद अभी नहीं जनाब, बाद में बताऊंगा आपको। इन सब बातों से मुझे बहुत चिढ़ है। सुनो, वो शख्स जिसने मेरी बहू को पहचाना है, तुम उसको कैसे जानते हो?